सभी को मेरा प्रणाम। मैं ललित पंत अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं आज हूँ घर में, तो आज भी घर में हूँ। तो मम्मी पापा कल को आएंगे, तो आज घर में हूँ, कल आएंगे वो। तो अभी मेरा हो रहा है अभी खाना बनाने का प्रोग्राम। तो अभी सोच रहा हूँ कि नाश्ता बनाऊँ या फिर दिन का ही बनाऊँ करके। तो वैसे तो दिन में ही बनाऊँगा शायद मैं भी। तो बने मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं ललित पंत मिलता हूँ कुछ ही मिनटों में, बने रहिए चैनल। तो अभी बैठा हूँ यहाँ पर, देखिए आग ताप रहा हूँ, आग जला रखी है तो आग ताप रहा हूँ, तो आग दिखी नहीं होगी इसमें भी। अरे और ना क्योंकि ठंडा ही ज़्यादा होने वाला था, धुआं लग गया मेरे आँखों में से, लग गया धुआं। तो अब जलिए थोड़ी आग, तो अब आग चलाओ। अभी धूप नहीं आई है ना, किनारे किनारे आई है धूप, देखिए पीछे जस्ट दिख रहा होगा आप सब लोग को, तो किनारे दूर दूर तक दिखाई दे रही धूप। अब ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये माघ के महीने में धीरे धीरे हमारे वहाँ धूप आ जाती है, तो धूप आने लग गई है अब देखिए। तो देखिए अभी मैं हूँ घर में, तो बांध दिए मैंने भी गाय नाश्ता वास्ता करके। तो गाय बाहर बांधते थे तो वो भी बांध दिया आज मैंने अभी। तो ये नंदिनी, काली नंदिनी है, इसका नाम भूल गया, ये काली हो गया, ये कन्नू हो गया, और इसका नाम तो भूल ही गया मैं भी, बड़े वाले का नाम। तो ये देखिए यहाँ पर ये खा रही है घास, इतने अच्छी से खा रही घास देखिए ये। तो देखिए मौसम साफ, काफ़ी क्लियर हो रहा है मौसम देखिए गांव का, ये देखिए तो क्लियर है मौसम भी आज, तो साफ हो रखा है एकदम क्लीन मौसम देखिए। तो मैं बता रहा हूँ वो दाजू का इनविटेशन है आज, बुलावा कि आओ, मैंने पका रखा है झूली भाग करके। तो देखता हूँ कि मैं बता के तो आनंद उठाता हूँ झूली भाग का, तो देखता हूँ। तो रास्ते में पहुँचा था तो मेरे को दिख गया आंवले का पेड़, देखिए इस पेड़ों में हम पहले चढ़ा करते थे, बहुत ही ज़्यादा जाते थे, देखिए इतना पतला पेड़ है ये आंवले का पेड़, देखिए आंवले का पेड़ आने लगे नहीं होंगे पर इसमें सब शायद झड़ गए पूरे, देखिए आंवले का पेड़ ये, और इसको बोलते हैं चूर, ये चूर का पेड़ है। तो देखिए तो कहते थे कि पहले जो इसमें से जो बीज जैसा निकलता है ऊपर हो रहा होगा भी ये, तो उसका वो बनता था क्या कहते हैं इसे, घी बनता था। तो मैंने देखा तो हमारे पापा लोग बताते हैं कि पहले से होता था ऐसा भी, ये देखिए इतने तभी तो तंदुरुस्त रहते थे पहले, ऐसी चीज़ें खा के तंदुरुस्त रहते थे, बीमारियों से दूर रहते थे। अब तो देखिए किसको बीपी है, किसको हार्ट है, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है लोग। देखिए पहले इतनी औषधियाँ यहीं ठहरी हमारे घरों में ही, तो देखिए ये पेड़ देखिए सुतर कहते हैं, तो सुतर सुतर का पेड़ हुआ है ये देखिए, सुतर का पेड़। तो ये देखिए इसे दातुन भी करते थे सुतर के पेड़ से, कि टहनियाँ होती थी उसे दातुन भी करते थे। और ये पेड़ बड़ा सा दिखता है, राम बांस है, तो देखिए बल्ला बनाने के लिए ठीक हो रखा है, हमने तो बहुत क्रिकेट खेला इससे। तो देखिए ये बल्ला क्या है, ऐसे ऐसी शॉट लगती थी ना इससे, भाई साहब जाए अगर बल्ले में बैठ गई तो गए तो छक्का ही जाता था डायरेक्ट, ऐसी बैठ गई देखिए ये प्लास्टिक की बहुत से पहले इसी से खेलते थे हम रामबास के, इस बैट बना दिया जाता था रामबास का, तो स्पेशल बैट। तो देखिए कितना बड़ा हो रहा है यहीं पर ये देखिए। तो मैं आप सभी लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए ये है खिणू बोलते हैं इसको, इसके पेड़ में लगा हुआ होता है ये, खाने में भी बड़ा टेस्ट आता है इसमें, लाल लाल दाने टाइप के हो जाते हैं इसमें ना, ये खिणू देखिए खिणुआ बोलते हैं इसको, ये देखिए पेड़ खिड़ो का कितने लगे हुए हैं इसमें खिड़ो देख सकते हैं आप। हमारे
पहाड़ में कई प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। देखिए आप लोग को मैंने पहले भी दिखाया, काली वाशिंग दिखाई थी आपने, कड़ी पत्ता मैंने आपको दिखाई था, तो ये गिलोई भी है, उन भी दिखा पाया मैं, तो उसे भी दिखाऊंगा आप सभी लोगों को एक बार, तो मिलता हूँ कुछ ही मिनटों में। तो अभी थोड़ा घर का काम भी हो चुका है, तो गाय आए बात नहीं थी, वो भी मैंने बांध दी है, तो बंटी को भी अंदर अंदर गोठियाना था कहते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में, यानी कि अंदर बंद करना था उसको, तो उसको भी मैं बंद करके आ गया अंदर बंटी को भी। तो अभी थोड़ा काम करता, थोड़ी चाय की टपकी लगी रही है मेरे को, चाय की टपकी क्या गजब लग जाने वाली थी यहाँ, तो टपा के चाह की शिलाई जनी भी ना, अरे जी आप मैं प्राण वाल पिशा भेजनी भी हो, तो चाय की टपकी लगी है मेरे को अभी, चाय पीता हूँ अभी पहले, तो उसके बाद मिलता हूँ आप सभी लोग से, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में। तो देखिए अभी हो चुकी है रात, तो ये देखिए, तो मैं अभी बैठा हूँ आंगन में, यानी कि आंगन में क्या सीख रहा हूँ, आग सेक रहा हूँ। देखिए ये जाड़ा हो रखा है, तो आग जला रखी है यहाँ पर, तो आग सेक रहा हूँ मैं, तो ये देखिए। तो अभी अभी खाना भी खा लिया मैंने, खाना भी हो चुका है मेरा, तो ठंडा हो रहा था, मैंने कहा यहीं पर सेकता हूँ आग थोड़ी देर, तो आग सेक रहा हूँ अभी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं ललित पंत फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा प्यार बड़ा प्रणाम, शुभ रात्रि।